अब तक कितने तमंचे बंदूक बना चुके हो? 150-200। अभी नया काम है यहाँ, कुछ क्षेत्र फोकस कर रखा था, किसी क्षेत्र में ज्यादा भी नहीं है, फिर ऐसा कुछ कहीं से ज्यादा डिमांड आ रही हो क्या? इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे? इलेक्शन में किसी को डिलीवरी देनी थी? अच्छा, ये जो बड़े वाली बंदूक है, इन पे इतनी अच्छी मतलब डिजाइनिंग की गई है, कौन करता था इस काम को बनाने का? मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया चोली थाने में, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या इसके अंदर उपलब्धि प्राप्त हुई है? थाना इंचोली पुलिस द्वारा अवैध असला की एक फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें भारी मात्रा में हमें असला प्राप्त हुए हैं और असला बनाने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आरोपी कितने हैं मैडम और क्या क्या इसके अंदर बरामद किया है? इसमें 5 आरोपी हैं, 5 गिरफ्तार किए गए और 1 वांछित है मोनू। और बरामदगी हमारे 4 में 315 बोर के तमंचे प्राप्त हुए हैं, 2 तमंचे में 12 बोर के, 4 बंदूक 315 बोर की और 4 अधबने तमंचे और 1 मस्कट बंदूक 315 बोर की प्राप्त हुई है। साथ ही में बहुत सारे असला बनाने के उपकरण प्राप्त हुए हैं भारी मात्रा में। मैम, कैसे हथियार बनाते थे और कहाँ कहाँ पर ये सप्लाई करते थे? इसका जो सरगना है, उसका नाम सुल्तान है, वो नेड़ू का रहने वाला है, फलामदा का। वो व्यक्ति पूर्व में भी तमंचा बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है। उस व्यक्ति को, वो ही इनका मास्टर माइंड था, वो इन लोगों को के साथ मिलके खेत में, पिंकल के खेत में तमंचे बनाते थे। ये सप्लाई किसे करते थे, कुछ पता चला? ये सप्लाई, 2 सप्लायर्स भी हैं इनके, जो जिनको इन्होंने बेचे हैं तमंचे, आगे लिंक और एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इनमें एक तो है रिंकू और 1 मोहित है। क्या इलेक्शन को लेकर ये तैयारी की जा रही थी? इनका कार्य असला बनाने का है, विशेष रूप से इलेक्शन से रिलेटेड या नहीं, ये ऐसी कोई चीज़ अभी संज्ञान में नहीं आई है।